दूसरे चरण नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण भयमुक्त कराने को लेकर रोहतास जिला प्रशासन पुलिस ने तैयारी के साथ बूथों पर मतदान कर्मियों को रवाना किया। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार तथा एसपी आशीष भाटी ने मतदान कर्मियों को बूथों पर रवाना करने से पहले शांतिपूर्ण भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने को लेकर कई टिप्स दिए। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि दूसरे चरण नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। एसपी आशीष भाटी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण भयमुक्त कराने को लेकर रोहतास प्रशासन पुलिस का तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इसके अलावा बाइक सहित अन्य पुलिस पेट्रोलिंग का व्यवस्था किया गया है। डीडीसी शेखर आनंद ने बताया कि दूसरे चरण नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण भयमुक्त संपन्न कराने को लेकर रोहतास प्रशासन पुलिस तैयार है। 28 दिसंबर 2022 को मतदान के बाद 30 दिसंबर 2022 मतगणना तक यह बाजार समिति ससाराम में किया जाएगा। गौरतलब हो कि दूसरे चरण नगर निकाय चुनाव के दौरान नगर निगम सासाराम के अलावा नगर पंचायत काराकाट दिनारा तथा चिनारी में मतदान 28 दिसंबर 2022 को है, जिसको लेकर बूथों पर मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। लोग चुनाव मतदान करेंगे, क्या कुछ तैयारी जिला प्रशासन की ओर से की गई है? कल नगर निगम सासाराम का चुनाव है नगर निकाय का, इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आज जैसे कि देखा जा रहा है कि इस तकिया बाजार समिति के इस प्रांगण से हम लोग पोलिंग पार्टी और पीसीसीपी पार्टी का डिस्पैच करवा रहे हैं। तत्पश्चात इनकी ब्रीफिंग डीएम सर और एसपी सर द्वारा करवाई जाएगी। फिर ये अपना संबंधित ईवीएम्स लेके संबंधित बूथ पे जाएंगे। सारे बूथ पे सारे बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज इंश्योर करवा लिए गए हैं और वो सारे पोलिंग पार्टी वहाँ रिपोर्ट करेंगे और कल पूरी ही शांतिपूर्वक ढंग से निष्पक्ष तरीके से हम लोग नगर निगम सासाराम का चुनाव करवाएंगे, इसका सुनिश्चित किया जा रहा है। कहाँ चुनाव होगा, किस क्षेत्र में चुनाव होगा? 235 बूथों को मार्क किया गया है। 235 बूथ नगर निगम सासाराम में है जिन पे चुनाव का कार्य कल किया जाएगा और जो मतगणना का कार्य है और जो ईवीएम रिसीविंग का कार्य है वो इसी तकिया बाजार समिति में किया गया। मतदान का समय क्या निर्धारित किया गया है सर? मतदान का समय सुबह 7 बजे से 5 बजे तक। सेकेंड फेज का वोटिंग 28 को है, तो उसी के संबंध में गश्ती दल पदाधिकारियों को जो है ब्रीफिंग दिया गया है और इलेक्शन में सभी लोगों से आग्रह है कि अपना वोटिंग राइट्स को यूज करें और जो भी उनके अनुसार योग्य व्यक्ति हैं उनको मतलब वोट दें और की परंपरा जो है कार्यक्रम उसको जो है ये सारा डिटेल उप विकास आयुक्त आपको दे देंगे। हम लोग बस अभी गश्ती दल पदाधिकारियों को जो है संयुक्त मतलब ब्रीफिंग दे रहे थे। सासाराम नगर निकाय चुनाव नगर निगम का चुनाव कल होने वाला है, साथ ही साथ चिनारी दिनारा तथा काराकाट में भी नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है। इसको लेकर के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। जो चुनाव आयोग का मानक है उसके अनुसार पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग का व्यवस्था रखा है। 65 मोटरसाइकिल के माध्यम से पूरे सभी क्षेत्रों में मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग किया जाएगा और हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि चुनाव से पहले भी, चुनाव के दिन से पहले भी हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करते रहें। अभी लगातार पिछले 24 तारीख की शाम से उसके संबंध में विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें खास करके जहां से भी शिकायत मिलती है रात्रि में विशेष रूप से हम लोग नज़र रखते हैं कि किसी भी प्रकार के कोई मतदाताओं को कोई किसी भी प्रकार से प्रभावित ना करे। और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, कई सारी गाड़ियों को पकड़ा गया है, कई सारे लोगों को पकड़ा गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल में निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएंगे। और सभी लोगों से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में निकल करके अपने मताधिकार।